नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, मैं जुशान आपके साथ। और सबसे पहले बात करेंगे, कोई उम्मीदवर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। फिलहाल मोराबादी में दुकान लगाने वालों के साथ यही हो रहा है, नगर निगम बार बार उनकी फिरकी ले रहा है और दुकानदार बेचारे कभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, कभी नगर निगम की तरफ। रिपोर्ट को देखिए। अब यही गा रहे हैं मोराबादी मैदान के दुकानदार। बताइए, आज जगाकर उम्मीद पैदा करकर और फिर कह दिया गलती हो गई, दुकान नहीं लगा सकते। अरे हुजूर, पेट पर लात ही मारनी थी, सपनों को कुचल ही देना था, तो सपने दिखाए ही क्यों। ये दुकानदार है, ये सियासत नहीं जानते, सीधे सादे हैं। नगर निगम ने कहा मोराबादी में दुकान नहीं लगानी, दुकान बंद कर दी। आपसे पूछा दुकान कहाँ लगाए, आपने कहा इस जगह लगाइए, दुकानदार मान गए, पर आपने फिर धोखा दे दिया। देखिए, निगम के अधिकारी खुद बहुत हम लोगों को बधाई दिए, हम लोग उनको लड्डू खिलाए, जितने पुलिस के पदाधिकारी थे, रिम्स के जो इन्फोर्समेंट की टीम थी, सब ने हमको बधाई भी दिया कि बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये पूरी तरह से मामला जो है वो खेल विभाग का मामला हमको लगता है कि जुड़ा हुआ है। आनंद फानंद में आंदोलन को समाप्त कराने के लिए इन्होंने हमको ज़मीन दे दिया और बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यहाँ नाइट मार्केट बनाना है तो ये करना है तो वो करना है, इस वजह से इन लोग जो है इसका ठीकरा बलि का बकरा हम लोग को बनाया जा रहा है। क्या करना है, वही करना है जो हो रहा है। बहुत खराब लग रहा है सर, क्या बतावे, दुकान नहीं खुल रहा, बहुत खराब लग रहा है। अबुआ राज में बबुआ उपास हो गया है, अब क्या करें। नगर निगम दिया था तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, लड्डू उड्डू सब बताया, लेकिन अब जो कंडीशन हो गया ना, बहुत गंदा होते जा रहा है। प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया था, हम लोग उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत में जो उपलब्ध ज़मीन थी उसमें दे रहे थे, परंतु वो अब ज़मीन वो चाहते हैं कि अपने सुविधा अनुसार वो जहाँ बैठना चाहें वैसा, तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और उनके लिए वेंडर मार्केट भी बन रहा है, वेंडर मार्केट जब बन जाएगा तो उनको सुव्यवस्थित कर दी जाएगी। ना के लिए जो दुकानदार हैं उनको बिठाने का काम करें। जिस दिन ये समझौता हुआ था मैं सामने था और यही बात हुई थी कि सभी लोगों को जगह मिलेगा, जब तक पक्का उन लोगों का निर्माण नहीं हो जाए। नगर निगम के धोखे के विरोध में दुकानदारों ने मानव श्रृंखला बनाई, कहा कि हम कैसे जिएंगे, परिवार कैसे पालेंगे, आप तो अपने सिर का बोझ हमें धोखा देकर उतार ले रहे हैं, पर हमारे सिर का बोझ कैसे उतरेगा, कोई ये भी बता दे। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।